साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर में इन दिनों लगातार वृद्धि से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ रामपुर शोभनपुर सहित कई दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। बता दें दियारा के इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को अब बाढ़ के खतरे का डर सताने लगा है। मार्जन पर हमारा घर का ठिकाने के मार्जन पर कहाँ पानी पानी हो गई, कहाँ से मिले सामान धो के मार्जन 5 गो बा 10 गो बा कैसे मिले धो धा के ना ले पानी बोले पूरा पुल बढ़ के गंगा जी के तब हम कैसे अपन खा जब जब जाए अगर हम रोटो टोप कैसे जाए अपन को पार टप के उन्हें कुछ के व्यवस्था नहीं के ना ना इतना देने के हाँ सब दे दिया गई मकई सब फसल डूब गई चारा मिलेगा चाहे हमने के पानियों खूब बहुत रफ्तार में ज़्यादा रफ्तार में बना सब दिक्कत का घास पानी बढ़ता मकई सब डूबिए गए घास सब डूबिए गए चारा मिलेगा चाहे हमने के आने जाने में क्या दिक्कत है अभी तो नाल चल रहा है बाकी दिक्कत होगा तो नाल तो करनी होगा नाल से तो आने होता है मगर अभी पानी हर कर आने आते हैं हम लोग नाल पर जाय माल का सब दिक्कत रहते है जाय का व्यवस्था नहीं थे कैसे भी सब पानी बढ़ने से बहुत क्षति हो जाएगा जान पशुपालक को और शहरवासी मने ना जितना देहात का लोग है दीरा में रहने वाला सब सबको दिक्कत हो जाएगा। चारा का समस्या चारा का भी समस्या हो जाएगा इस बार तो पूरा सारा जल स्तर तो मैंने बहुत दिक्कत हो गया है सब डूब गया है घास जितना जानवर का खाने का चारा है सब डूब पानी में डूब रहा है डूब गया है फिर। दरअसल बता दें गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण दियारा के इन क्षेत्रों में फसल सब्जी की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मवेशियों के लिए अब चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई। वहीं दियारा क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गंगा जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण पूरे तरीके से खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया है, साथ ही मवेशियों के लिए चारे की समस्या भी हो गई है। शहर में आने जाने के लिए नाव ही सहारा है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन हम लोगों की समस्या पर ध्यान दे और इसका निदान करे।